काफ़ी शर्मिंदा कर रहे हैं, बट ऐसा है कि हम सब की कोशिश होती है कि हम अपना काम सही करें और आप लोगों को पसंद आए। कभी कभी काम ऐसा भी हो जाता है कि हम अच्छा करते हैं और कभी फिल्म उतनी आपकी थिंकिंग के बराबर नहीं होती है, लेकिन हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी क्योंकि हमने बड़ी उचित पिक्चर बनाई। शेकिंग व्हाट लेग्स? व्हाट इज लेग्स? डांसिंग। ओह, ओह, इट्स ब्रिलियंट। हैव यू सीन इट? ही इज एब्सोल्युटली ग्रेट। मैंने ये पहले भी कहा है कि आई थिंक आई आल्सो लव दैट सॉन्ग। यू लव दैट सॉन्ग? आई आल्सो लव दैट सॉन्ग, इट्स अ फेवरेट सॉन्ग। मैंने ये पहले भी कहा है कि देयर इज नोबडी हु कैन परफॉर्म अ सॉन्ग लाइक चिंटू अंकल। नोबडी, नोबडी, फुल स्टॉप। दैट्स इट। एंड आई नो एटलीस्ट मेरे जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं, इट्स एवरीवन्स ड्रीम कि एक हमारे करियर में एक मौका में मिल जाए इन विच वी कैन डू अ सॉन्ग विद चिंटू अंकल। So I am very blessed. I didn't get one, I got two songs to do with him. So it's great, great fun. Can you just go back to the film? Like a samajik film, right? Yes. Is this type of film an entertaining look to give a director as a director? It wasn't because my thought was like this. I'm from theater background. And we have a habit of performing live. So we have the reaction of the audience. बिकॉज हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चल जाता है उसी वक्त कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है। पर्दा खुला और बंद होने के पहले हमें या जूते मिलेंगे या तालियां मिलेंगी, जो भी होता है हमें वहाँ पता चल जाता है। तो जब भी हम कोई नई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अक्रॉस द फूड लाइट, जो हम लोग स्टेज पर बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या कहते हैं पता नहीं है, पर ऐसा है कि वो लोगों को बहुत ही सहज वे में उन तक ये बात पहुँच जाए और ज़्यादा प्रीची ना हो, बहुत भाषण जैसा ना लगे, ऐसा हम कोशिश करते हैं। जी सर, व्हाई द फिल्म नेम इज़ ऑल इज़ वेल व्हेन देयर इज़ सो मच कियोस गोइंग ऑन? यस, आई वुड से दैट कि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अलग अलग लाइफ जीते हो तो अगर आपके पास अगर खुशी बांटने के लिए है या आपके पास गम है जो किसी के साथ शेयर करो, अगर आप घर जाते हो और कोई है ही नहीं तो आप किसके साथ खुशी या गम कुछ भी बांटोगे? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही मानना है कि अगर आप एक साथ रहोगे, फैमिली अगर एक साथ रहेगी तो ऑल विल बी वेल, ओके, ऑल इज़ वेल हो जाएगा, पर अगर आप नहीं रहोगे तो वो नहीं होगा। डिसफंक्शनल फैमिली है एक, कहने का मतलब डिसफंक्शनल हमारी ज़माने में कि एक फैमिली किसी में अनबन है और अनबन क्यों है उसके रीजंस हैं और वो जब सुधरते वो हालात तब जाके वो ऑल इज़ वेल होती है। All my films, जितनी सब किए उसे बेटर कर सकता हूँ, जितना किया सब बकवास किया। अब और वो जब फिर से करेंगे तो अच्छा होगा।